गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द व्लॉग। और आज एक नए दिन की शुरुआत। आई एम हैविंग माई टी। आज 3 दिन बाद बहुत हिम्मत करके ना आया हूँ, क्योंकि बहुत ठंड होती है और अभी धूप निकला तो ऊपर आया हूँ, सन बात ले रहा हूँ, थोड़ा गर्माहट आई इसकी वजह से। कल सारा लाइक सैटरडे संडे मतलब जो भी था सब जगह जाके आए। अब आज लेक्चर है, अभी इसके बाद मेरे को लेक्चर अटेंड करना है। चाय पीऊँगा, थोड़ा नाश्ता करूँगा एंड देन आई अटेंड द लेक्चर। वो 2 बजे ख़त्म होगा, उसके बाद आई डोंट नो क्या प्लान है, बट जो भी जैसा रहेगा वो आपको पता चल जाएगा। वेलकम बैक टू द व्लॉग एंड I have to show you something, like मुझे कुछ दिखाना भी है। Wait, okay. तो आप ये जो देख रहे हैं ये एक शुगर फैक्ट्री है, मतलब हमारे यहाँ पे शुगर फैक्ट्री है। तो यहाँ के आसपास जितने किसान हैं शुगर केन, जो कि आपने लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने दिखाया था, वहाँ पे खेती बहुत होती है। वैसे यहाँ पे बहुत लोगों जगह पे खेती होती है, तो वो लोग यहाँ पे ला के बेचते हैं। देन पूरे अपने इंडिया में यहाँ से शुगर सप्लाई होता है, मतलब यहाँ से, मतलब और भी इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं बट यहाँ से भी होते हैं। सी, तो मेरे लेक्चर से भी थोड़ी देर में शुरू होने वाले हैं, बट मेरे को मंदिर जाना था, जो मंदिर आपको मैंने बताया था। वहाँ पे दादा दादी अंकल आंटी मतलब जो लोग हैं वो लोग गए, बट मैं नहीं जा सकता था क्योंकि लेक्चर था, प्लस अभी ठंडी वापस क्यों बढ़ गई। नोटिफिकेशन आ रहा है यार, एक मिनट। यस, नाउ आई विल नॉट कम। सो मैं इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि मतलब मेरा लेक्चर था। सेकेंडली, वापस से ठंडी क्यों बढ़ गई, क्योंकि यहाँ हवा चलने लगती है। हवा इज़ वेरी, ओ माई गॉड, ट्रस्ट मी, मतलब सुबह मैं बिना ये लगाए हुए ऊपर वॉक कर रहा था, सन बात ले रहा था और अच्छा लग रहा था, बट नाउ हवा चलने के बाद थोड़ा टेम्परेचर और ड्रॉप, मतलब हे अभी यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि ऐसा होता है। और मेरी वॉइस इतनी अलग हो गई है ना, मतलब सर्दी तो मुझे नहीं हुआ बट लाइक बहुत कैसी तो भी हो गई है। बट अगर मैंने भाई को बोला है, मेरे छोटे वाले भाई को जिसका मैंने बोला था, अगर वो कुछ रिकॉर्ड करेगा तो मैं आपको बट अवेज में दिखाऊंगा। एंड मैं लेक्चर फिनिश करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको। ओके, और जो वैभव था उसका आज जन्मदिन भी है तो वहाँ पे भी मैं जाऊँगा। ओके, आपने देखने होगा दादी दादी का हमारे जो गई थी मंदिर। और अभी मैं चला मेरे दोस्त से मिलने, उसका बर्थडे है। और हमारे भाई साहब साथ पीछे ही, ये देखो हर्ष, ये हमारे छोटे भाई, तो अभी हम चलते हैं निपटा के आते हैं। बहुत बड़ा वाला पोपट हो गया है क्योंकि वैभव कहीं तो चला गया, वो यहाँ है ही नहीं, तो अभी क्या ही कर सकते हैं, अभी घर चलना पड़ेगा वापस। गुड, क्या बोलूँ, कहीं गया वो अपने दोस्तों के साथ, यहाँ वाले दोस्तों के साथ, एंड कॉल भी नहीं उठा रहा है। सो मैं तो ऐसे ही बोला चलो जाएंगे, आज सरप्राइज करेंगे भाई साहब तो चले गए। बड़ा वाला पोपट घर चलो। पोपट तो नहीं हुआ, काफ़ी अच्छा सनसेट है, आप देख सकते हैं। आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा बट मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, ट्रस्ट मी।